सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 15 पैसों की थैली का असली चोर के का पुस्तक कार्य कराऊंगी। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न, सही विकल्प चिन्हों। बच्चों, आपको यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और साथ में कुछ विकल्प भी दिए गए हैं। आपको उन विकल्पों को चुनकर सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। तो पढ़ते हैं प्रश्न क। हिसाब लिख रहा था, कौन लिख रहा था? अकबर, बीरबल, तेली या कसाई? तो कौन लिख रहा था हिसाब? तेली। तो हम तेली के आगे सही का निशान लगाएंगे। बीरबल ने अपने पास क्या रखा? विकल्प है पैसों की थैली को, कसाई को, तेली को, सभी को। बीरबल ने अपने पास क्या रखा था? पैसों की थैली को। तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ग है, पैसों की थैली किसकी थी? तेली की, कसाई की, दोनों की, किसी की नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कसाई की। तो हम इसके आगे सही राइट का सही का निशान लगाएंगे। बीरबल ने कोड़े मारने का हुक्म दिया, किसको दिया था? अकबर को, कसाई को, तेली को या सभी को? तो इसका सही उत्तर होगा तेली को। तो हम तेली के आगे सही का निशान लगाएंगे। पेज पलटिए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बीरबल ने उन दोनों से रिक्त स्थान का कारण पूछा, किसका कारण पूछा? लड़ाई का। आप अब रिक्त स्थान करके मेरी थैली मुझे दिलवा दीजिए। क्या करके दिलवा दीजिए मेरी थैली? इंसाफ करके, रिक्त स्थान में इंसाफ आएगा। इसकी दुकान मेरी दुकान से रिक्त स्थान घरों के फासले पर है, कितने घरों के फासले में है? 4-5 घरों के। पैसों की थैली रिक्त स्थान को सौंप दी गई, किसको सौंप दी गई? कसाई को। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? कसाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 मैंने हटवा दिया है क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो 7वां प्रश्न देखते हैं, समानार्थी शब्द लिखो। बदबू का समानार्थी शब्द क्या होगा? बुरी गंध। सत्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? सच। वक्त का समानार्थी शब्द क्या होगा? समय। हुक्म का समानार्थी शब्द क्या होगा? आदेश। अंश का समानार्थी शब्द आपको छोड़ देना है। अगला देखते हैं, कबूल का समानार्थी शब्द क्या होगा? स्वीकार। पेज पलटिए, इन दोनों मात्राओं के कुछ अन्य शब्दों को पढ़ो, अंतर समझो और वाक्य में प्रयोग करो। इसमें आपको केवल दूसरा बैर और बैर का ही बैर और बैर का ही प्रयोग करना है। बैर का अर्थ होता है दफा और दूसरे बैर का अर्थ होता है दुश्मनी। तो जो पहला बैर है उससे वाक्य बनाएंगे, मैंने तुम्हें कितनी बार यह कार्य करने के लिए मना किया है? मैंने तुम्हें कितनी बेर यह कार्य करने के लिए मना किया है? इसका अर्थ होगा, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा ये कार्य करने के लिए मना किया है? बैर, राम का रावण से बैर था, यानी राम की रावण से दुश्मनी थी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी में लिखो। शिकायत को शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे? शिकायत। वक्त को शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे? वक्त। प्रतिवादी को शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे? प्रतिवादी। ही साप को शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे? ही साप। न्याय को शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे? न्याय। धुलवाय को शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे? धुलवाय। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखो। आपको यहाँ दिए गए शब्दों के विलोम लिखने हैं। बदबू का विलोम क्या होगा? खुशबू। झूठ का विलोम सच। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त। न्याय का विलोम अन्याय। तो बच्चों, इस तरह मैंने आपको पुस्तक का कार्य पूर्ण कराया है। आपको भी ये कार्य अपनी पुस्तक में करना है।